बज रहे हैं सुबह के 10 एंड आज मैं सोचा था रनिंग करने जाऊं बट नहीं हो पाया, आलस आ गया संडे की वजह से, संडे को तो आ जाता है तो रात में सोते रह गया। एंड अभी मैंने बुलाया हुआ है मैकेनिक को, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि गाड़ी का टायर पंचर है तो अभी वो आ रहा है एंड फिर मुझे जाके पहले वो करवाना है, फिर निकलूँगा ऑफिस के आज। मैकेनिक आ गया है, उनका काम चल रहा था, ये वाला टायर पंचर था बट लकीली टायर बच गया, काफ़ी देर चल के आया था बट टायर में कुछ डैमेज हुआ नहीं तो अभी वो रिपेयर कर रहे हैं उधर, ऑनलाइन नंबर मिल गया था तो अभी रिपेयर वर्क चल रहा है। देखो ये है वो कील जिसकी वजह से पंचर हो गया था, कितनी बड़ी है देखो। बस अभी मैं आया हूँ एंड टायर पंचर था तो पंचर रिपेयर हो गया, पंचर वाले को जैसे मैं आपको देखा बुलाया, बड़ी गर्मी थी नीचे तो अभी बस हम निकल रहे हैं। अभी हमें जाना है डीकैथलॉन क्योंकि सनी यहीं पे खड़ा हुआ है, सनी बोल रहा है कि डीकैथलॉन जाना है बट कोई साइकिल वहाँ है नहीं, बट तब भी उसको देखना वहाँ जाके कि साइकिल है या नहीं। बस अब निकलते हैं, टायर का पंचर भी ठीक हो गया है गाड़ी का, अब फटाफट भाग के निकलेंगे। ये वाली टायर का पंचर था बट अब अभी तक तो ठीक है, यस हवा भी है, अब निकलते फटाफट। बस अभी मैं आ गया हूँ एंड गाड़ी का टायर पंचर भी रिपेयर हो गया जैसे आपको दिखाया था। एक ऐप है यहाँ पे रेडी टू असिस्ट करके गुड़गांव में, तो उनकी सर्विस अभी गुड़गांव में शुरू हुई है तो उनको बुला लिया था, झट आधे घंटे में आ गए थे। उसका नंबर भी मैं यहाँ पे, उनका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग गुड़गांव से हो या दिल्ली एनसीआर से तो आप भी लोग मंगा सकते हो, काफ़ी सारी इनके रिपेयर सर्विसेज है तो अच्छी लगी मुझे सर्विस। एंड अब मैं निकल गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ पहले अपने गुड़गांव वाले स्टोर में, वहाँ मैं और सनीफ है वहाँ से जाएंगे डीकैथलॉन और आपको तो पता है क्यों, डीकैथलॉन में जाके देखेंगे हम साइकिल्स जो कि पता है कि अभी आई नहीं होगी। तो अभी हम आए हैं हुडा सिटी सेंटर, यहाँ पे हम एक बार हम आए थे बट तब हम गए थे H&M, आज हमें जाना है डीकैथलॉन, यहाँ हम देखेंगे कौन सी साइकिल इनके पास अवेलेबल है। ये सारी साइकिल्स की रेंज है, अभी साइकिल की रेंज कम है काफ़ी सारी तो बोले वही सेम बात कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में आना, तो अब हम सोच रहे कि क्या करें। ये सारी एक्सेसरीज होती है, ये है सीट सॉफ्टनर क्योंकि उसकी सीट ऐसी होती कि आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ये सारी क्या चीज़ें हैं, ओके ये आई थिंक हवा भरने के लिए पंप, बड़ा स्टाइलिश है, हमारे ज़माने में आता था स्टील वाला। ये क्या है, ओके एक्सरसाइज करने के लिए ये चाहिए। ये क्या है, ये ले, ये है फ्रिस्बी, बचपन में खेला करते थे। आए मैकडॉनल्ड्स में एंड हम खाएंगे चिकन मैक स्पाइसी चिकन एंड पेरी पेरी फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज का मसाला है ये, तभी हम इसमें डाल के खाएंगे। सामने वाली गाड़ी में कलाबाजी हो रही है, आंटी एकदम जीप के एकदम रूफ में से निकल गई है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, अभी आई थिंक थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, अब ठीक हो गया होगा क्योंकि अभी बजे रात के 8:30 एंड मैं एज यूजुअल लेट हो गया हूँ घर जाते हुए, संडे था तो वीकेंड्स थोड़े से बिजी जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री में वीकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बिजी होते हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। एक तो यार संडे को बड़ा मन करता है कि कुछ ना कुछ अच्छा खाया जाए, देखते घर जाके क्या बना रखा है मम्मी और रिचा ने, देखते हैं। और ये है नमकीन, ये हमारे एक कस्टमर ने दी थी, ये
पुणे की फेमस बेकरी की है, इसको कहते हैं चिड़वा। ये हम खा रहे हैं चाय के साथ। मेरी चाय 8:30 बजे होती है, क्या करें, लेट आ रहे आज का। पीछे आप देख रहे हो कि रिचा कुछ ना कुछ कर रही है। रिचा हेडफोन लगा के क्यों बैठी हो? क्योंकि आई वाज टॉकिंग ऑन फोन। ओके ओके, लो चिड़वा खाओ। थैंक यू। चिड़वा खाओ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अभी बस मैं नीचे वॉक करने आया हूँ। आज रिचा नहीं आई, रिचा थक गई है, पूरा दिन घर पे थी, कुछ ना कुछ कर रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही रखते हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।